अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैं कंटेनर निकाली और निकाल कर मैं काले चने इसमें रख दे रही हूँ। चने हो या दालें हो तो इसमें मैं तेज़पत्ते और साबित मिर्च डाल कर रख देती हूँ, तो ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होते। ऐसे तो मैं दाल को उबाल कर रख लेती हूँ और चने को भी। यहाँ पर मैं पीसी हुई मिर्च भी रख दूँगी और साबित मिर्च भी रख दूँगी कंटेनर। काले चने हो या सफ़ेद चने हो मैं उबाल के रख देती हूँ, तो काले चने की तो मैं चाट बनाती हूँ और सफ़ेद चने की मैं सालन बनाती हूँ। ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं पालक के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। तो कल मैं साग ली थी, तो साग आलू की सब्ज़ी मैंने बना लिया था। तो मेरे बेटे कह रहे थे कि अम्मी पालक के पकौड़े बनाए, तो मुझे उस वक्त टाइम नहीं मिला। तो आज मैं पालक के पकौड़े बना रही, तो मैं पालक के पत्ते फ्रिज में रख दी थी, तो वो फ्रेश थे, तो मैंने उसे वॉश किया, तो अभी मैं पालक के पकौड़े बना रही हूँ। चार चम्मच बेसन लेकर उसमें मैंने थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दिए और नमक भी मैंने डाल दिया, और इसमें मैं गरम तेल आधा चम्मच डाल दी और दो पिंच सोडा डाल के मैंने पकौड़े का बैटर तैयार कर लिया। पालक के पत्ते को मैंने पहले तो वॉश कर लिया था, अब उसे खुश कर करके, और अब मैं एक एक पालक के पत्ते को इसमें ड्रिप कर रही हूँ बेसन में और इसे फ्राई कर रही हूँ। पालक के पकौड़े या बैंगन के पकौड़े हर मौसम में अच्छे लगते हैं, ख़ासतौर पर सर्दी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो तो इसमें और भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और बच्चों को सर्व कर रही हूँ, तो इसी दौरान हमारा पार्सल भी आ गया। मैंने दराज से ऑर्डर किया था 3 पतीलियों का, जो स्टेनल स्टील है, वो पतीली मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने ऑर्डर दे दिया। तो आज इसका पार्सल मुझे मिल गया। तो मेरे बेटे ने जब पार्सल लेकर आया तो कहने लगा, अम्मी आपने किस चीज़ का ऑर्डर दिया था, ये तो बहुत छोटी चीज़ है मगर वज़न में बहुत भारी है। मैंने इसे चेक किया तो वाकई ये भारी है। यहाँ पे मैं पार्सल की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ वही चीज़ है जिसका मैंने ऑर्डर दिया था। यहाँ पे मैं लिड की क्वालिटी चेक कर रही हूँ कि ये लिड कैसी है, तो ये लिड की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये पतीली की भी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये वज़न में बहुत भारी है। पतीली तो देखने में बहुत छोटी है मगर वज़न में बहुत भारी है, और इसकी पैकिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी कर दी है। मुझे स्टेनल स्टील की ऐसी तरह पतीली चाहिए था, तो मैंने मार्केट में भी ढूंढा तो मुझे नहीं मिला, तो मैं सोची कि दराज में ही चेक कर लूँ। तो जब मैंने इस पतीली को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसका ऑर्डर दे दिया। ये पतीलियाँ तो देखने में बहुत छोटी है मगर इसकी गहराई बहुत है। ये छोटी पतीली मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसमें दूध बॉयल कर लूँगी या चाय बनाऊँगी या अंडे बॉयल करूँगी। जब मैंने पार्सल रिसीव किया तो ये मुझे देखने में बहुत छोटी लग रही थी और वज़न में तो भारी थी, और जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग की और इसकी क्वालिटी चेक करी, मुझे इस पतीली की क्वालिटी भी अच्छी लगी और इसके लीड की क्वालिटी भी अच्छी लगी। आज ये मुझे कुछ ही दिनों में मिल गया। जब भी मैंने दराज से किसी चीज़ का ऑर्डर किया है तो वो हमें अच्छी चीज़ें ला कर देते हैं। अगर आप सबको भी दराज से कुछ मंगवाना है तो दराज में कई चीज़ों पर उन्होंने फ्री शिपिंग भी लगाई, तो आप जाके ऑर्डर दे सकते हैं, कुछ ही दिनों में पार्सल आपके सामने होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप सबको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती है एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।